स्कूल असंध में एग्ज़िबिशन लगाई गई है सभी सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कि हम कैसे गंदे पानी को, सीवरेज का जो पानी होता है उसको कैसे साफ़ करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये शेप्स हैं, शेप्स सीरी बनाई गई है, इसमें मैथ्स की सारी शेप्स को लिया गया है, स्क्वायर, ट्रायंगल, क्यूब, मैथ सिटी, इट मीन्स इट्स अ मैथ सिटी। ये एयर कूलर बनाया है बच्चों ने। उसके बाद ये जो बनाई गई है ये मशीन है जिससे हम रेत सीमेंट वगैरह को हम इकट्ठा करते हैं, जब हम मकान बनाते हैं तो उसमें सीमेंट को कैसे मिक्स करते हैं ये मशीन बच्चों ने बनाई है। ये लिफ्ट बनाई है कि किस तरह से हम लिफ्ट का यूज़ करते हैं भारी सामान को ले जाने के लिए। ये ऑटोमेटिक डोर है कि अपने आप कैसे खुलता है, ये सारा वर्किंग मॉडल्स हैं ये सारे। ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स है, जैसे जो हमारे घरों में स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो, ये क्रेन बनाई है बच्चों ने कि किस तरह से आजकल हम जेसीबी का यूज़ करते हैं। ये लेयर्स ऑफ अर्थ दिखाई गई हैं कि हमारे जो अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, तो कैसे कैसे उनके यूजेज़ हैं, कौन सी इनर कोर है, आउटर कोर है, क्रस्ट है, ये सारे इसमें शो की गई है। ये एसिड रेन, किस तरीके से एसिड रेन होती है, ये सारा इसमें दिखाया गया है। ये रोप वे बनाया गया है, पहाड़ों में हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो रोप वे का यूज़ करते हैं, इस मॉडल में रोप वे दिखाई गई है। ये वर्किंग मॉडल है, बाद में बच्चे ये सारा वर्किंग में करके दिखाएंगे। ये है हाइड्रो पावर प्लांट के, हाइड्रो पावर प्लांट से हम कैसे पानी से बिजली बना सकते हैं और किस तरह से हम बिजली का यूज़ कर सकते हैं। ये भी हाइड्रो पावर प्लांट का ही एक हिस्सा है। ये रहट बनाया गया कि किस तरह से रहट से हम सारे यूज़ करते हैं, पानी को कैसे लेके जाते हैं। ये रहट है, ये वर्किंग मॉडल है, थोड़ी देर में ही बच्चे अब इसको दिखाएंगे। ये बनाया गया है सोलर एनर्जी मॉडल कि कैसे हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी से हम कैसे अपने घरों में बिजली का यूज़ कर सकते हैं, ये सारा इस मॉडल में दिखाया गया है। उसके बाद ये बनाया है ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, हमें ग्रीनरी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये सारा एक, ये नॉन वर्किंग मॉडल है और एसएसटी का मॉडल है, तो ग्रीन सिटी क्लीन सिटी दिखाई गई है। फिर वाटर साइकिल कैसे यूज़ होता है, कैसे पानी से फिर दोबारा से बारिश बन के कैसे पानी दोबारा से रेनफॉल के में आता है, तो ये सारा इसमें दिखाया गया है। ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कि जो रेन का वाटर है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये इस मॉडल में दिखाया गया। उसके बाद एग्रीकल्चर दिखाया कि कैसे, ये एग्रीकल्चर सिटी ही बनाई है कि कैसे हम एग्रीकल्चर खेती करते हैं। ये वाटर साइकिल दिखाया कि कैसे पानी किस तरह से इवापोरेशन हो के, कलेक्शन हो के और फिर दोबारा से पानी वापस हमारे पास आता है। ये कुछ मॉडल्स या चीज़ें बनाई हैं जो बच्चों ने, ये हैंडमेड चीज़ है, ये शीशा है और शीशे की ये ग्लास पेंटिंग है, ये बच्चों ने खुद अपने हाथों से बनाई गई है। ये सिंपल पेंटिंग है, ये रेत से बनाई हुई पेंटिंग है, रेत से हम कैसे यूज़ करते हैं रेत को पेंट करके, ये भी रेत से बनाई हुई पेंटिंग है। तो ये बच्चों ने अपने हाथों से सारी चीज़ें बनाई हैं। देखिए ये सारा आइसक्रीम स्टिक से बनाया है, ये सारे आइसक्रीम स्टिक से, ये आर्कंडी के फ्लावर्स बनाए हैं, ये बच्चों ने खुद बनाए हैं। ये माचिस की तिलियों से बनाया फ्लावर पॉट है, देखिए ये, देखिए कप गिलास, कप प्लेट, फ्लावर, ये भी माचिस की तिलियों से बनाया है। ये जो हम डेली यूज़ करते हैं कोक वगैरह की बोतल, उससे बनाया है। ये स्पून से, जो स्पून होते हैं ये स्पून से बनाया है। ये वाटरफॉल है जो सारा बनाया गया है ये, और ये देखिए ये ऊन से, ये ऊन से बनाया है। ये जो हमारे यहाँ ग्रीटिंग कार्ड्स आते हैं ये उससे बनाया गया है, ये ऊन से बोतल के ऊपर ऊन को लपेट कर बनाया है। तो ये बच्चे, ये देखिए रुमाल और सीमेंट से ये चीज़ बनाई है, ये फ्लावर पॉट बनाए हैं, तो ये किसी तरह के भी हम पौधे इनमें लगा सकते हैं। तो ये रुमाल और सीमेंट से बनाए हैं, देखिए क्या क्रिएटिविटी है बच्चों में। ये सारे बच्चों ने अपने हाथ से, ये देखिए चूड़ियों से बनाया है, चूड़ियों पे उनको लपेट कर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ये भी जो बॉटल्स होती हैं, बॉटल का जो नीचे का हिस्सा होता है उससे ये वेस्ट बनाया, इसमें हम किसी भी तरह की कोई भी चीज़ रख सकते हैं घर में, हम जैसे अपने जो पिंस वगैरह ये सारी इसमें डाल के रख सकते हैं। ये फिर एसएसटी के मॉडल है, ये कागज़ से बनाई गई पेंटिंग है, ये देखिए ये कागज़ से सारे फ्लावर्स बनाए गए हैं, ये सारे जो फ्लावर हैं कागज़ से, और ये ऊन से बनाया, किसके ऊपर, बल्लब के ऊपर, बल्लब के ऊपर ऊन से ही ये टैडीज़ बनाए गए हैं, ये भी बल्लब से बनाया गया।
ये बच्चों की क्रिएटिविटी है, ये फ्लावर पॉट बनाए हैं सारे अलग अलग तरीके से, जितने भी इसमें फ्लावर्स लगे हैं कोई भी रेडीमेड फ्लावर नहीं है, ये सारे बच्चों ने अपने हाथों से बनाए हुए फ्लावर हैं। ये देखिए ऊन से कैसे फ्लावर बनाए हैं, ये देखिए ये गिलास, ये भी बोतल से ही बनाया है, बोतल को जॉइंट करके और फिर उसमें पेंट करके। ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो फ्लावर पॉट बनाया गया है ये अखबार को लपेट के और अखबार से बनाया है। ये देखिए हमारे घर में रोज़ कार्ड्स आते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह आते हैं, मैरिज के कार्ड आते हैं, तो उससे ये सारे फ्लावर बनाए गए हैं। ये देखिए एक छोटा सा घर, और ये क्ले से बनाए हैं, ये दोनों जो टेडी हैं ये क्ले से बनाए हैं और वो रुई से बनाया गया, कॉटन को यूज़ करके बनाया गया है। ये देखिए ये गणेश जी सीढ़ी से बनाए गए हैं, सीढ़ियों को जोड़ के काट के इस तरीके से पेंटिंग करके ये सीढ़ियों से गणेश जी बनाए हैं। और ये कार्ड्स हैं, ये देखिए लकड़ी से भारत का नक्शा, ये सारे जो ग्रीटिंग्स हैं ये हैंडमेड है, ये बच्चों ने अपने हाथों से बनाए हैं। सबसे बड़ी ये देखिए ये वॉल हैंगिंग, ये सारे जो बच्चों ने चार्ट से बनाए हैं। ये देखिए ये रेडीमेड है, बट जो डेकोरेशन की है जो भी की है ये बच्चों ने खुद किया, जितनी भी पेंटिंग वगैरह इसमें की है ये बच्चों ने अपने हाथों से किया। ये देखिए सबसे जो मेन चीज़ है, ये सारा न्यूज़पेपर से बना हुआ है, ये न्यूज़पेपर को फोल्ड करके बनाया गया टेडी बियर। ये देखिए ये टेडी खुद बच्चों ने अपने हाथों से बनाए हैं, इसके आगे जितने भी ग्रीटिंग्स या कोई चीज़ दिख रही है ये देखिए ये शौक से बनाया है। ये सारे दिए वगैरह सब बच्चों ने अपने हाथों से ही बनाए हैं। ये देखिए एक ये वॉल हैंगिंग है जो ऊन से बनाया गया है, और ये देखिए कोट पैंट, ये ग्रीटिंग है बच्चों ने बनाए हैं। ये जो एग्स की ट्रे होती हैं, एग्स की ट्रे को डेकोरेट करके वॉल हैंगिंग बनाए हुए हैं। तो आज यहाँ हमारे यहाँ एग्जीबिशन है सभी सब्जेक्ट्स की, क्योंकि ओनली साइंस के मॉडल्स को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, बल्कि और भी आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान, हैंडमेड शीट्स जो है ये सारी हैंडमेड से बने हुए जितना भी सामान है इसको लिया गया है। और मैं आशा करती हूँ कि ये बच्चों के एफर्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। आप एक और नई चीज़ देखें, ये देखिए ये भी बोतल से ही बनाया गया है, ये भी न्यूज़पेपर से बनाई है टोकरी। और ये मोर पूरा गत्ते को काट कर, जो कार्डबोर्ड है उसको काट के फिर उससे बनाया है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। ये देखिए ये जो वॉल हैंगिंग है, ये जो रीलें होती हैं हम घर में यूज़ करते हैं सिलाई के बाद जो रील बच जाती है उनको यूज़ करके बनाया गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि बच्चों के एफर्ट्स आपको अच्छे लगेंगे, बच्चे के बनाए हुए ये सारे मॉडल्स और ये सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।